सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वैश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। बहुत दिनों आपको वेट करना पड़ा क्योंकि मेरा एग्जामिनेशन चल रहा था। जो भी है, जो वीडियो आपके लिए ले आया बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। बहुत जगह आप शायद मार्क्स वर्सेस रैंक देख चुके हो, और मेरे पास देखिए और आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको कुछ ऐसा इंसाइट्स देने वाला हूँ जो आपको दूसरा वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको देखो और अच्छे से एनालाइज करो क्या कैसा रहा आपका WBCET 2024 का पेपर, ठीक है। अब उसके लिए पहले जो आपको जानना पड़ेगा, पहली बात तो है कि WBCET 2024 एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक, इट इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ जस्ट अ प्रेडिक्शन, कुछ इधर उधर होगा लेकिन अल्टीमेटली मतलब आपको ठीक ठाक दिखेगा, मतलब जो भी आपको दिखाया जाएगा एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक वैसा ही होगा, ठीक है। मतलब आसपास रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो ये आप देख रहे हो अभी। चलो अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा एजेंडा क्या है आज। आज हम देखने वाले इंट्रोडक्शन, जिसको पता नहीं, जो एकदम नया है, WBCET के बारे में पता नहीं है, वो भी अगर वीडियो देख रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ WBCET, वो मतलब उसके बारे में जानेंगे। वो देखने के बाद पेपर एनालिसिस देखने वाले, मेन जो इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए, पेपर कैसा गया वो भी हमें जानना पड़ेगा, तो उसको हम पहले जानेंगे। दूसरे पॉइंट पे हम जानेंगे, तीसरे पॉइंट पे हम जानेंगे एरियाज ऑफ शाइन, कौन सा एरिया जो ज़्यादा, जिसमें जो ज़्यादा रोशनी डालना इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो जिसमें रोशनी डालना इम्पॉर्टेंट है, वो वाला पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, आपको स्लाइड में दिखेगा, ठीक है। अब उसको मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, अच्छे से वीडियो पूरा देखिए, आपको मज़ा आएगा। और एकदम अच्छे से इन डिटेल डेप्थ में अगर आपको समझना है WBCET का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक के साथ साथ पेपर एनालिसिस, तो इसको पूरा देखना, ठीक है। एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक आपको ये तो पता ही चलेगा, ये तो इम्पोर्टेंट है। और समरी, समरी क्या है, मतलब समरी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। समरी सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको देखना पड़ेगा। तो समरी के बाद हम इसको क्लोज करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट आपको मतलब अनाउंसमेंट होगा वो आपको दिखाएंगे। पहली बात तो है कि WBCET एग्जाम क्या है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, WBCET का जो भी वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी कॉलेजेस है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। एग्जाम जो कंडक्टेड किया गया था इस बार, वो 28 अप्रैल को किया गया था और संडे था वो, संडे के दिन भी मेनली किया जाता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मार्क्स वर्सेस रैंक दिखेगा, ठीक है। अगर जो लोग भी मार्क्स वर्सेस रैंक देखने के लिए आए हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, इन दिस वीडियो आपको प्रोबेबल एक्सपेक्टेशन दिखेगा, रैंक किस रैंक पे आपका कितना रैंक, कितना मार्क्स में आपका कितना रैंक बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पेपर एनालिसिस हम देखने वाले हैं। देखिए, जो हर बार देखने को मिलता है, मैथमेटिक्स का पेपर हमेशा हार्ड, हार्डर साइड रहता है। वो जेई मेंस उठा लो आप WBCET उठा लो, मैथ्स का पेपर हार्ड ही रहेगा, हार्ड रहेगा। साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है WBCET में वो ज्यादा होता है, वो आप, वो भी एक इम्पोर्टेंट एक्स फैक्टर है। इस एग्जाम को इतना हार्ड क्यों बनाया जाता है, इतना इम्पोर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि इस एग्जाम में पेपर जो होता है 100 मार्क्स का, सिर्फ मैथ्स का होता है 50% वेटेज जो मैथ्स रखता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होता है रिलेटिवली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। और इस बार तो उसके ऊपर भी और थोड़ा सा बिट हार्डर हुआ है देन प्रीवियस ईयर, तो ये भी थोड़ा सा मतलब देखने की बात है कि क्या होगा इस बार, शायद कट ऑफ क्या होगा, मतलब बहुत सारा फैक्टर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो, इस वीडियो में पूरा, तो आप इसको पूरा देखना। फिजिक्स वॉज ईजी टू मॉडरेट, फिजिक्स जैसा था वैसा ही है, फिजिक्स का बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, फिजिक्स ईजी टू मॉडरेट। हाँ, थोड़ा बहुत एक एक दो मतलब कुछ क्वेश्चन है जो मॉडरेट साइड गया था, जैसा 2022 में गया था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिला है। केमिस्ट्री जो था इस बार, सिर्फ इस बार नहीं, हमेशा ईजी रहता है, ईजी साइड ही था, इस बार भी केमिस्ट्री वॉज ईजी साइड, टूवर्ड्स ईजी साइड, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एरियाज ऑफ साइन।
इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको दूसरे वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखना, एरियाज ऑफ शाइन क्या है, मतलब जहाँ पे रोशनी डालना इम्पोर्टेंट है। WBJ वॉज टूवर्ड्स टफर साइड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। इस बार इम्पोर्टेंट ये है कि WBJ थोड़ा सा टफर साइड गया है, पेपर एनालिसिस से जो निकल के आ रहा है, जो टफनेस लेवल था, जो हार्डनेस लेवल था, वो थोड़ा सा ज्यादा था इस बार, ठीक है, प्रीवियस ईयर के तुलना में। बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर ऑलमोस्ट 1 लाख, इस बार ऑलमोस्ट 1 लाख आप मान के चलो स्टूडेंट अपियर किया था, ठीक है। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 80,000 किया था, इस बार 1 लाख, मतलब 20,000 आपको ज्यादा स्टूडेंट्स देखने को मिल रहा है इस बार, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जोसा काउंसिलिंग विच विल बी कंडक्टेड फॉर JEE Main 2024, ठीक है, विल स्टार्ट ऑन 10th जून। आपको 10 10 मतलब 10 तारीख को जून में स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। तो जोसा जो होता है वो हमेशा आगे स्टार्ट होता है, WBJ बाद में स्टार्ट होता है। इसलिए क्या होता है, जो फर्स्ट 2 राउंड होता है WBJ में, उसमें कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाता है और मॉपअप में सडनली थोड़ा ब्रेक आता है, और इसलिए थोड़ा सा डिक्रीमेंट आने के लिए जो भी जिसका रैंक थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा डिसेंट है, उसको थोड़ा सा अच्छा कॉलेज, बेटर कॉलेज मिलने का पॉसिबिलिटी बन जाता है ज्यादा, ठीक है, जो है मॉपअप राउंड पे, ठीक है। मॉपअप राउंड क्या है, राउंड 3, एक एक्स्ट्रा राउंड किया जाता है, स्पेशल राउंड आप बोल सकते हो WBJ के अंदर। जो लोग को अच्छा और बेटर कॉलेज चाहिए, आपको अगर अपग्रेड करना है और बेटर कॉलेज में जाना है, तो आपको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना होता है। उसके अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, उसका अलग से फॉर्मेलिटीज है, वो अलग से स्टेप आपको दिखेगा। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, इस पर भी बनाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आप नए हो, ठीक है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट WBJ के वीडियोस मिलेगा, आलतू फालतू का वीडियो नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, जो टू द पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है, वही वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए बेल आइकन को ऑन जरूर से कर रखिएगा, ताकि आपको आपके अप्रोप्रिएट जो भी वीडियोस है, आपके जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको जरूरत है, वो आपको पता चल पाए, ठीक है। सो इन फर्स्ट राउंड, मतलब अलॉटमेंट राउंड जो है, और सेकेंड राउंड में जो आपको बोल दिया कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने वाला है, लेकिन मॉपअप राउंड पे थोड़ा सा डिक्रीमेंट आने वाला है। JU एंड CU एंड प्राइवेट कॉलेजेस टॉप ब्रांच जो है, ठीक है, जो आपका देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ, वो जो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ JEE और CU का जो आपका रैंक गया था, ठीक है, कट ऑफ गया था, क्लोजिंग रैंक गया था, मोर और लेस वैसा ही रहेगा, ठीक है। इस बार बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है, सेम रहेगा, सेम पैटर्न, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहेगा, 19-20 हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वैसा ही रहने वाला है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इस बार जो लोअर गवर्नमेंट कॉलेज है, लोअर गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें से जो कोर ब्रांचेस है ना, कि कोई सिविल ले रहा है, कोई मैकेनिकल ले रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल ले रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको मतलब डिमांड दिखेगा, मोर डिमांड, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा ज्यादा हो गया, और आपको पता होगा 45 से 60 के अंदर, ठीक है, 45 to 60, ये मार्क्स ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव मार्क्स है। इसके अंदर अगर आपका रैंक्स आता है, सॉरी मार्क्स आता है, मार्क्स का अगर आपका रेंज ये है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा वैरी करता है, बहुत स्टूडेंट इसके अंदर रहता है, ठीक है। जो लोग डिसेंट मार्क्स करते हैं, मतलब बहुत खराब भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, मतलब बहुत खराब भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, इनके लिए बहुत सारा कॉलेजेस नहीं होता है, इनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज इसके अंदर मतलब आपका जो मतलब इन लोग को पसंद क्या रहता है, इन लोगों को पसंद है कि कोर ब्रांच ले लें, लेकिन गवर्नमेंट में जाना है, नहीं तो टॉप ब्रांच ले लें, CSE IT ये सब प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, तो इसके अंदर ये वाला सिनेरियो बनता है। तो इसलिए यहाँ पे डिमांड ज्यादा भी रहेगा इस बार, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, CSE IT में टॉप जो प्राइवेट कॉलेजेस है, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके अंदर CU सॉरी उसके अंदर मतलब बेसिकली लोअर गवर्नमेंट कॉलेज, नॉट JUCU, JUCU का पैटर्न सेम रहेगा ऑलमोस्ट, लेकिन जो लोअर गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे जलपाईगुड़ी हो गया, कल्याणी हो गया, ये जो भी कॉलेजेस है, इसके अंदर जो भी कोर ब्रांचेस है, उसमें डिमांड ज्यादा रहेगा, आपको कट ऑफ थोड़ा हाई दिख सकता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हम एक्सपेक्टेड रैंक और मार्क्स वर्सेस रैंक देख लेते हैं। आपको दिखेगा ऐसा कुछ, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, अल्टीमेटली ऐसा ही देखने को मिलेगा, आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है, इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको बता दूं जो चेंज होने वाला है वो 45 से 60 के अंदर, ये वाला जो रेंज है, ये यहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये वाला जो रेंज है ना, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हो सकता है ये 7,500 द्वारा 9,000 के करीब भी चला जाए, क्योंकि इस बार थोड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, और यहाँ पे ये जो 10,500 है, ये थोड़ा सा 12,000 के करीब पहुंच जाए, तो ये हो सकता है, लेकिन
इसका पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है, क्योंकि एक क्या हुआ मतलब थोड़ा इसका डेविएशन थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ज्यादा लेकिन हार्डर भी था, मोस्ट मतलब मोर हार्डर था प्रीवियस ईयर, तो इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाता है फैक्टर, तो इसलिए बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, इसलिए मैं ऐसा ही रख दिया ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो तो एक्सपेक्टेड है, ये जस्ट एक प्रोबेबल मार्क्स वर्सेस रैंक है आपके लिए, लेकिन अल्टीमेटली जो होने वाला है वो तो आपका पेपर में ही मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा मार्क्स जो स्कोर कार्ड उसमें आपको दिखेगा ही ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है मेंटरशिप ठीक है। आपको अगर अच्छा कॉलेज मिल चाहिए और आपको अगर अच्छा कॉलेज अल्टीमेटली मिलता है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप होता है, और ये जो गैप है ना मतलब ड्यूरेशन है ना, इसमें आपको सही गाइडेंस सही फैसला लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो इसलिए आपको एक अच्छा गाइडेंस की जरूरत है ठीक है। मैं आपको एज लाइक प्रीवियस ईयर मैं आपको इस बार भी मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ एट ओनली एंड ओनली 299 रुपीज आपको पूरा ठीक है। 1-to-1 कॉल सपोर्ट्स, आपको कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा ग्रुप कॉल हो रहा है, नहीं 1-to-1 होगा, आप फोन कीजिएगा, आप मुझे पूछिएगा कि भैया ये है ये है, आपका जो भी डाउट है ठीक है, रेलिवेंट डाउट है जो भी आप पूछ सकते हो 1-to-1, उसमें कोई ग्रुप कॉल जी मीट कॉल ऐसा नहीं होगा, 1-to-1 आप पूछेगा पूछिएगा ठीक है। एवरी स्टेप डिस्कशन ड्यूरिंग काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप में आपका डिस्कशन होगा कि यहाँ पे आने वाले अपकमिंग जो ये राउंड है ये यहाँ पे ये गलती होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा, आपको बोला जाएगा ठीक है। थ्रू वीडियोस हो सकता है, रिकॉर्डेड वीडियोस हो सकता है, थ्रू आपका लाइव वीडियोस भी हो सकता है, लाइव मतलब स्ट्रीमिंग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन आपको अल्टीमेटली अवगत किया जाएगा कि हाँ यहाँ पे पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे गलती होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको बोला जाएगा ठीक है। और उसके बाद एक्सक्लूसिव पर्सनलाइज चॉइस लिस्ट तो आपको मिलता ही है, बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट चॉइस लिस्ट जो भी आपको यूट्यूबर्स प्रोवाइड करते हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मतलब ये मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ हवा हवाई, प्रीवियस ईयर मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, आपको दिखेगा मतलब बहुत एक ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन चुका है, आप जाके चैनल पे विजिट करके एक्सप्लोर कर सकते हो ठीक है। अवेयरनेस अबाउट रॉन्ग डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मतलब जो भी आपका रॉन्ग डिस्कशन है, रॉन्ग मतलब गलत डिसीजन बहुत लोग लेते हैं कि लेट से एक एग्जांपल लेता हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं कि मॉपअप राउंड पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा गलती है, अगर आपका डिसेंट रैंक है थोड़ा बहुत तो आप मॉपअप राउंड पे पार्टिसिपेट नहीं करते, जो भी आपको मिलता है उसमें आप एडमिशन ले लेते हो, ये बहुत बड़ा गलती है ठीक है। क्योंकि क्या होता है प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाते हो ना तो वहाँ पे वो लोग प्रेशराइज करते हैं कि अभी एडमिशन ले लो नहीं तो आपको सीट नहीं मिलेगा मॉपअप में, क्योंकि मॉपअप के बाद मॉपअप एक डिफरेंट काउंसलिंग है, एक डिफरेंट प्रोसेस है, तो वो थोड़ा सा मतलब सेपरेटेड काउंसलिंग है, तो इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं डर के मारे एडमिशन ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। लेकिन वही बच्चा क्या कर सकता था, थोड़ा सा अपग्रेड कर सकता था, हो सकता है लोअर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको वो अगर इंटरेस्टेड था तो उसको कोर ब्रांचेस भी मिल सकता था, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बोला जाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पास्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, मैं मतलब 3 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, आपको वीडियो देखने को मिलेगा पूरा चैनल पे, आप जाके देख सकते हो ठीक है। अब आते हैं हम समरी पे ठीक है, अब हम समरी पे आते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी इस वीडियो से लेके जाना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी मोर देन प्रीवियस ईयर, इस बार थोड़ा ज्यादा ही होगा। एग्जाम पैटर्न विल बी एग्जाम पैटर्न एग्जाम पेपर वाज अ लिटिल बिट हार्डर देन प्रीवियस ईयर, ये भी आपको पता चल गया। लोअर गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा डिमांड ज्यादा रहेगा स्पेशली कोर ब्रांचेस के अंदर, ये ऊपर ऊपर का जो ब्रांचेस है वो तो 2-2.5 हज़ार के अंदर बंद हो जाता है, जलपाईगुड़ी अगर आप देखोगे तो वैसा ही 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार के अंदर बंद हो जाते हैं, लेकिन जो 4-4.5 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार 6.5 हज़ार जो रैंक है इसमें आपका लोअर गवर्नमेंट कॉलेज का कोर ब्रांचेस जो है इसमें डिमांड रहेगा। अगर आपको चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको ध्यान से काउंसलिंग करना है तो आप मेंटरशिप ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेज टॉप ब्रांच विल बी फील्ड अप बाय टॉप रैंकर्स, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज हमेशा जो होता है टॉप ब्रांचेस टॉप रैंकर्स लेके चले जाते हैं, हेरिटेज हो गया IIM हो गया जो ये सब जो कॉलेजेस है स्पेशली हेरिटेज, उसमें जो CSE IIT होता है ना स्पेशली CSE, उसमें 1,500 1,000 का रैंक जो होता है वो भी ले लेता है, तो बहुत हाई डिमांड पे होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यू शुड बी एक्यूरेट ड्यूरिंग योर काउंसलिंग टाइम,
काउंसलिंग ड्यूरेशन के टाइम पे आपको एक्यूरेट होना चाहिए। एक भी गलती अगर आपका हो रहा है तो वो आपको डिजर्विंग कॉलेज शायद नहीं दिला पाएगा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू ऋषभ अधिकारी, ऑलवेज एजुकेशनल। आपको अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। मान लो आपका रैंक बहुत खराब है, जो ये आपको दिखेगा कि मान लो आपका ये इस रेंज पे रैंक है, बिलो 10 या 10 से 12 20 सॉरी 20 टू 25, ये तो मतलब इट्स नॉट गुड रैंक। तो इस रैंक पे अगर आपको एक अच्छा कॉलेज में मतलब एक अच्छा ब्रांच, टॉप ब्रांच लेके पढ़ना है, आने वाले दिनों में फ्यूचर आपको अगर सिक्योर करना है, और अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसा दे सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा फीस दे सकते हो, थोड़ा डोनेशन दे सकते हो, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा सकते हो। उसके लिए आपको आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको आप फिलअप करके रख देना, आपको हमारे टीम से कॉल आ जाएगा, ठीक है? और आप मेंटरशिप भी ले सकते हो, यहाँ पे मेरा नंबर दिया गया, अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, ठीक है? चलो अब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लर्न फ्रॉम यस्टरडे लाइव फ्रॉम टुडे होप फॉर टुमारो, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये फेमस और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट कोटेशन है, जो कोट है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा सीखते रहिएगा और सिखाते रहिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसा ही वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा, ठीक है, इस चैनल के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।